ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अप्रैल 2024 से ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में गुरु के साथ डिग्री वाइज संयोजन बनाने वाले हैं और 30 अप्रैल 2024 तक इन दोनों ग्रहों की युति गज केसरी योग बनाने वाली है। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 12 वर्षों के पश्चात मेष राशि में गुरु और सूर्य की बन रही युति 15 दिनों की समयावधि तक रहेगी। ये कई राशियों के लिए बहुत ही निर्णायक है। तो इसका कुंभ राशि के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। किन किन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही बेहतर है और कहां पर आपको सावधान भी रहना है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जहां सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है, सूर्य देव के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को संतान, शिक्षा, धन, धर्म, विवाह, सामाजिक मान सम्मान, इन सब विषयों का स्वामी माना गया है। गुरु की अवस्था अगर कमजोर हो तो ये सभी चीजें जीवन में वंचित रह जाती है। तो इन दोनों ग्रहों की जब भी युति बनती है तो गज केसरी योग बनता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कुंभ राशि वाले जातकों, सूर्य महाराज आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और गुरु आपके धन भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और 17 अप्रैल को ये दोनों प्लैनेट आपके राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर युति बनाने वाले हैं। तो ये समय आपके जीवन में कई मामलों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। सबसे पहले तो इस समयावधि में कुंभ राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से धन वैभव की कमी महसूस कर रहे हैं, यानी आप मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में आमदनी काफी कम या ना के बराबर बनी हुई है, तो आमदनी में इजाफा होने वाला है। धन की वृद्धि आपके जीवन में जरूर होने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, करियर के मामले में आपका वर्चस्व काफी कमजोर है या बार बार आपका मन काफी भटक रहा है, आप एक कार्य में फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो पराक्रम भाव पर दोनों शक्तिशाली ग्रहों का योग जो बनेगा, इसमें आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और आपके मन में एकाग्रता भी बढ़ने वाली है। तीसरा शुभ प्रभाव आपके जीवन में यह बनेगा, यदि आप इस समयावधि में विदेशों से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके राशि के लिए जो है वो काफी प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव और गुरु के साथ युति बनाएंगे तो कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं, नवीन वैवाहिक प्रस्ताव का यदि आप अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में विवाह होने के लिए स्थिति बना सकता है, आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को दे सकता है, सकारात्मकता आपके जीवन में देने वाला है। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं, यह 15 दिन आपके जीवन में वैवाहिक लगाव को बढ़ाएगा, जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन में दिलवाने वाला है। साथ में गुरु आपके थर्ड हाउस पर विराजित होकर अपनी पंचम दृष्टि जो है वो आपके राशि के सप्तम भाव पर डालेंगे तो दैनिक आय के साधन में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, धन की बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। गुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं, सूर्य के साथ प्रभावी होंगे तो 15 दिन आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी करवाने वाला है और शुभता भी आपको देने वाला है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो ये समय है आपके पारिवारिक स्थितियों के लिए शुभ है।
पिछले समय से आप अपने परिवार में किसी प्रकार की भाग दौड़ का अनुभव कर रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मकता की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभ रहने वाला है। तथा कुंभ राशि वाले जातक, यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, यदि आपके ऊपर सूर्य की या गुरु की महादशा चल रही है और अगर आपको बुरा परिणाम दे रही है, तो ये 15 दिन आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। गायों की सेवा करने से सूर्य की भी अवस्था बेहतर बनती है और गुरु की अवस्था भी श्रेष्ठ बनती है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।